दोस्तों अगर आप भी हैं हॉरर मूवीज के शौकीन तो ये तीन फिल्में जरूर देखिएगा। लोगों का मानना है कि ये दुनिया की सबसे डरावनी फिल्में हैं। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक की फिल्मों ने करीब करीब हर जोन में हॉलीवुड वालों को कड़ी टक्कर दी है, लेकिन हॉरर यानी डरावनी फिल्मों के मामले में अभी भी हॉलीवुड का कोई तोड़ नहीं है। तो आज हम आपको ऐसी तीन हॉरर फिल्मों के नाम बताएंगे जिसे देखने के बाद दिल सहम जाएगा और धड़कने रुक जाएंगी। नंबर तीन पर आती है जेम्स वान के डायरेक्शन में बनी द कंज्यूरिंग पार्ट वन। फिल्म की कहानी कैरोलिन और रोजर वेरून के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने परिवार के साथ फार्म हाउस में है। जल्द ही इनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। साल 2013 में आई इस हॉरर फिल्म को IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है। नंबर दो पर आती है साल 1973 में आई द एग्जोसिस्ट। विलियम फ्रेडकिन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जवान लड़की है जिस पर भूत का साया है। लड़की की माँ अपनी बेटी को काले साए से दूर ले जाने के लिए पादरी का सहारा लेती है, लेकिन हालात समय के साथ बस से बदतर हो जाते हैं। IMDb पर इस फिल्म को 8.8 की रेटिंग मिली है और इस फिल्म को ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का नॉमिनेशन भी मिला था। और IMDb की रेटिंग के हिसाब से द शाइनिंग हॉलीवुड की सबसे खतरनाक हॉरर फिल्म है। साल 1980 में रिलीज हुई यह फिल्म अब तक दुनिया की नंबर एक हॉरर फिल्म है। इसमें एक परिवार एक सुनसान होटल में ठहरता है। सर्दियों की रात में इस परिवार के सदस्यों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। स्टैनली कुब्रिक के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 8.4 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों इनमें से आपको सबसे ज्यादा हॉरर मूवी कौन सी लगी कमेंट में जरूर बताएं।